आमिर खान और रानी मुखर्जी की पहली फिल्म गुलाम काफी हिट हुई थी, तो चलिए उसी फिल्म के बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ बजट था, क्या कुछ कलेक्शन किया था इस फिल्म ने, बताऊंगी आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। 19 जून 1998 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया था विक्रम भट्ट जी ने। फिल्म की स्टोरी काफी पसंद आई थी लोगों को और साथ ही साथ आमिर खान और रानी मुखर्जी की जोड़ी को भी बहुत ज्यादा पसंद किया था और इस फिल्म के जो सॉन्ग्स थे काफी हिट हुए थे। और जैसे कि इस फिल्म का जो बजट है, कलेक्शन है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहूंगी इस फिल्म को लेकर। जैसे कि इस फिल्म के अंदर जो आमिर खान का कैरेक्टर होता है सिद्धार्थ का, वो किस तरीके से एक सीन में वो ट्रेन के तरफ भागता है तेजी से और ट्रेन उसके तरफ भागती है और किस तरीके से वो झंडा गाड़ने के लिए पहले दौड़ लगाता है, ये सीन में हमें दिखता है। तो ये स्टंट आमिर खान खुद करते हैं, जी हाँ, खुद करते हैं ये स्टंट। और उनको ये स्टंट का जो खतरनाक स्टंट होता है रियलाइज तब होता है जब वो एडिटिंग में देखते हैं कि कितने पास वो होते हैं ट्रेन के, मतलब जिसके चलते उन्हें ट्रेन मतलब मार भी सकती थी, ऐसा सीन होता है। लेकिन फिर भी वो खुद ये स्टंट करते हैं, वो रिस्क लेते हैं। इस फिल्म के अंदर जितने भी सॉन्ग्स हैं हिट तो थे ही, लेकिन एक जो सॉन्ग है वो अब तक हिट है और अब तक सबको उसके लिरिक्स याद हैं, जैसे कि आती क्या खंडाला। और ये गाना इसमें मतलब आमिर खान ने अपनी आवाज में ये गाया था। इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को भी ऑफर किया गया था लीड रोल्स के लिए, लेकिन शाहरुख खान मना कर देते हैं, उन्हें भट्ट प्रोडक्शन के साथ काम नहीं करना होता है क्योंकि पहले 1996 में चाहत फिल्म करते हैं, डुप्लीकेट फिल्म करते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिजास्टर होती है बॉक्स ऑफिस पर, तो जिसके चलते शाहरुख खान ये फिल्म करने से मना कर देते हैं। रानी मुखर्जी की आवाज तो हम सब जानते हैं कि उनकी आवाज हस्की है और थोड़ी डिफरेंट है और सबसे अलग है उनकी आवाज, और उनके बोलने से हम पहचान जाते हैं कि रानी मुखर्जी की आवाज है। लेकिन फिल्म के लिए उनकी आवाज को डब किया गया था किसी और वॉइस ओवर आर्टिस्ट से। अलीशा का जो कैरेक्टर है रानी मुखर्जी निभाती हैं, इसके लिए पहले अप्रोच किया जाता है, पहली चॉइस होती है पूजा भट्ट, लेकिन पूजा भट्ट मना कर देती है कैरेक्टर करने से, जिसके चलते रानी मुखर्जी ऑन बोर्ड आ जाती है इस फिल्म के लिए। और तो और आमिर खान को हम यूं ही नहीं मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं, जैसे कि उन्होंने इस फिल्म के अंदर खुद स्टंट्स किए हैं, साथ ही साथ हर फिल्म में जो भी टेक होता था उसके बाद वो पुशअप्स करते थे, डंबल्स मारते थे और किस तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से फिट रखने के लिए इस फिल्म में वो जी जान अपनी मेहनत लगा देते थे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ये फिल्म का जो टाइटल है गुलाम, इसके पहले ओरिजिनल टाइटल था जख्मी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रीजन की वजह से इस फिल्म का टाइटल चेंज करके गुलाम रख दिया जाता है। चलिए फाइनली अब हम बजट और कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इस फिल्म का बजट 7 करोड़ का था और इंडिया में फिल्म ने 13 करोड़ की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो 24 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। जी हाँ, आप कलेक्शन से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पसंद आया था लोगों को फिल्म। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि कितनी बार आप लोगों ने फिल्म देखी और आमिर खान और रानी मुखर्जी की जोड़ी कितनी पसंद आती है, साथ ही साथ ये जो गाना है आती क्या खंडाला, ये गाना आपको कितना पसंद है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई ऐसे ही गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए।